उसमें मेरे यूजर्स हैं, रीजन भी उसमें ही डिलीट हो जाएंगे फिर। सर इज देयर एनी कमांड, आपको अगर यूजर को डिलीट करना है तो यूजर डेल करोगे और सुनील लिखोगे तो यूजर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यूजर को डिलीट करना है तो यूजर डेल कीजिए, और पूरे ग्रुप को डिलीट करना है तो ग्रुप डेल कीजिए, तो आपको दोनों में डिलीट हो जाएंगे। यस सर, जो एक्स वाई जेड यूजर को ऐड किए उसके लिए वी आई एडिटिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? किसकी? एक्स वाई जेड यूजर को जब अपन ने ऐड किया सर, तो वी आई एडिटर की सूडोवर्स में जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? मुझे बताइए एक्स वाई जेड हमने कहाँ पे ऐड किया है? ग्रुप में, ग्रुप डायरेक्टली ग्रुप में, और सुडोवेयर, सुडोवेयर में फाइल में ग्रुप को ऑलरेडी परमिशन दे चुका हूं ना। तो सर अगर सुडोस में अपन ग्रुप को परमिशन दे दिए हैं तो अपन कितने भी यूजर सीधे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विदाउट द वीआईएन। वो यूजर आपने ग्रुप में ऐड करने चाहिए तो ही वो फिर परमिशन उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर तो ग्रुप में ऐड करेंगे तो यूजर क्रिएट भी वही हो जाएगा या अपने को यूजर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा? देखो आपने ये सुडो या फाइल, ये सुडोवर फाइल है, ठीक है, ये सुडोवर का फाइल है, इसमें मैंने ये AWS ग्रुप को परमिशन दे दिया है, लेकिन आपने अभी ये मेरा ग्रुप का फाइल है, ये मेरा ग्रुप का फाइल है, ये ग्रुप में, ग्रुप के फाइल में सुनील यूजर है, सतीश है, मतलब XYZ नहीं है, XYZ इसमें ऐड नहीं है, तो फिर ये परमिशन इसको XYZ को कैसे आप बोलोगे कि अलर्ट होगा करके? अगर आप XYZ को इसमें आप ऐड करोगे, ग्रुप में उसको ऐड करोगे तो ही इसको परमिशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, समझे? ओके ओके सर, मतलब सर इज देयर एनी कमांड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है? हाँ बोलिए। यस सर इज एनी कमांड फॉर और रिडू और अंडू और एक्शंस इन लिनक्स? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं उसका, उसके बारे में रोल बैक ऐसे कुछ कमांड होते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये okay. ये हम लोग ये करते ही नहीं एक्चुअली, ये जो हमने किया ग्रुप ऐड ग्रुप यूजर ये आपको नहीं करना है, ये सब कुछ कंपनी आपको बनाया बनाया सब मिलता है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं लिनक्स आपको अगर आता है, अगर ये हम लोग पेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे में तो वो लोग वहां पे पूछते हैं कि हाउ टू ऐड द यूजर, हाउ टू गेट द परमिशन, व्हेन आई पुट द परमिशन फॉर न्यू यूजर, तो इस तब आपको वो आंसर देने होते हैं। एक एक आदमी, एक लड़के को पूछा था कि हाउ टू ऐड द परमिशन ऑफ द यूजर विच फाइल और देयर इट इज देयर, तो दैट टाइम दिस गाय इज ब्लैंक, उसने कुछ बताया नहीं, उसको कुछ आया नहीं, उसको बोलना था कि सुडोर फाइल्स, सुडोर फाइल के तो हम लोग परमिशन दे सकते हैं पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर यूजर्स को, तो इसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लेकिन यूज कुछ भी नहीं है, कंपनी में हम ये काम नहीं करते, कंपनी में क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टरी होती है, वहां पे मैनेजिंग लेवल पे जो भी होता है मैनेजर्स, वो हमारे यूजर्स क्रिएट करते हैं, हम लोग नहीं करते, और वो क्रिएट करने के बाद हम लोग को देते 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 हैं, उसके बाद हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है। सर एक बार वो फोल्डर स्ट्रक्चर बता सकते हैं क्या, जो ईटीसी में कौन कौन सा फोल्डर यूज किया हमने अभी? फोल्डर ने किया क्या सर? किया है, एक दो मिस हुआ है, तो जस्ट कैसे मिस बार रिवाइज, अभी रिवाइज कैसे करना है? ट्री से ओपन करके दिखाओ सर, ईटीसी फोल्डर्स में इसमें उसको ये पता नहीं, नहीं इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्या देखने, देखो यम रेपो डी है, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो फाइल्स होती है रेपो वो हम इसमें ऐड करते हैं, ये ग्रुप फोल्डर डायरेक्टरी ये फाइल जो है इसके हम, इसके थ्रू हम लोग कितने ग्रुप्स मेरे पास है वो हम लोग चेक कर सकते हैं ये फाइल के थ्रू। बाद में सुडोर फाइल जो है इसमें हम लोग परमिशन देते हैं किसको, अगर न्यू यूजर आपने ऐड किया तो परमिशन देते हैं, अगर वो यूजर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो ग्रुप को देते हैं, ग्रुप को पहले से परमिशन दे गई है तो आपको वो फिर से उस पर देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ग्रुप को ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं, बस इतना ही और क्या है।
ओके सर, थैंक यू. ओके आपको शायद से ये वीकेंड से या फिर नेक्स्ट वीकेंड से आपके एक्सटर्नल मॉक चालू हो जाएंगे. ठीक है, कल लिनक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे लिनक्स हम लोग, और कल से ही एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे. शेल स्क्रिप्ट, वो शेल स्क्रिप्ट हम लोग ये वीकेंड में, ये वीकेंड तक खत्म कर देंगे, जिसके थ्रू बाद में मतलब करंट जो एक्सटर्नल मार्क होंगे ये वीकेंड को या नेक्स्ट वीकेंड को, वीकेंड को आपको तब तक वो सिलेबस होगा. मतलब आपका इंस्टीट्यूशंस का सिलेबस होगा, उसमें फिर बेसिक नॉलेज ऑफ एसडीएलसी और इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन नेक्स्ट वन लिनक्स कमांड, और लिनक्स कमांड जितनी भी हो गए वो, और सारे ऑल शेल स्क्रिप्ट कमांड. मतलब ये आपका सिलेबस होगा कमिंग एक्सटर्नल मॉक के. तो वैसे आप प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर दीजिए. शायद ये फर्स्ट मॉक आपका होगा एक्सटर्नल, इसलिए बहुत ही लीनेंट और ये स्मॉल बेसिक पेपर ऊपर ही होगा. इसके बाद जो भी मॉक्स होंगे वो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, तो आपको उसकी तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है. आप प्रिपरेशन लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्ट का